गौर से सुनो, एक दिन एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। बात 1930 की है। जो बाविल नाम का एक व्यक्ति भारी ठंड के कारण कांपते हुए एक गांव में पहुंचता है। वह पहले भी इस गांव में आया हुआ है, आता रहता है। इस कारण उसे इस बात की काफी उम्मीद है कि वहां उसे रात बिताने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ मिल जाए और वह आराम से रात बिता सकेगा। लेकिन गाँव में घुसने के बाद वह चारों तरफ जब देखता है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। यह सोचकर कि यहाँ के लोग कहीं चले गए हैं रात गुजारने के लिए, वह एक घर में घुसता है। ठीक है, फिर वहाँ उसे जो नजारा दिखाई देता है उसे देखकर वह पूरी तरह से सन्न रह जाता है। वह देखता है कि घर का सारा सामान वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। किचन में भी आधा अधूरा पका हुआ खाना पड़ा था और वहाँ चूल्हा भी जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी वहाँ पे खाना बन रहा है। उससे कुछ अजीब लगता है। डर महसूस होने पर वह मदद के लिए बाहर गांव के बाकी लोगों को आवाज लगाता है, लेकिन उसे वहां अपनी आवाज के अलावा कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। वह और भी डर जाता है। वहां पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। उसे ना तो वहां कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही वहां किसी जानवर के होने की कोई उम्मीद लग रही थी। यह सब देखकर लाबेल काफी ज्यादा घबरा गया। वह तुरंत उस घर से निकला और दूसरे घर में घुसा। तब उसे वहां भी बिल्कुल वैसा ही नजारा देखने को मिला जैसा कि उसे पहले वाले घर में मिला था। वह और भी डर जाता है। गांव के सारे घरों का हाल जब वह देखता है तो बिल्कुल एक जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव के लोग अपना काम करते करते अचानक गायब हो गए हो या फिर उन्हें किसी ने गायब कर लिया है। डर कर लाबेल पहले इस गांव को छोड़ता है, बाहर निकलता है और इस रहस्यमय घटना की सूचना पुलिस को देता है। पुलिस पूरे जोर शोर से इस घटना की छानबीन शुरू करती है तो उसे गाँव के जानवर गाँव में ही जमी हुई अवस्था में मिलते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो उन्हें किसी ने फ्रीज किया हो। पूरी छानबीन के बाद भी पुलिस यह पता लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही कि आखिर गांव के इतने सारे के सारे लोग एक साथ अचानक कहां गायब हो गए। और ज्यादा छानबीन करते हुए पुलिस आसपास के गांव से लोगों की बुलाकर उनसे पूछताछ करती है तो पता चलता है कुछ दिन पहले वहाँ एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी रोशनी दिखाई पड़ी थी जो बार बार अपना आकार बदल रही थी और वहाँ वह लगातार उसी गांव की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत आज तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाए और इस पूरी घटना का कोई भी पुख्ता प्रमाण आज तक किसी को नहीं मिला। यह घटना आज भी दुनिया के बड़े रहस्यों में शामिल होकर रह गई है। बता दें कि यह पूरी वाकया बिल्कुल सच्ची और 89 साल पहले घटी कनाडा की अंजिकुनी गांव की है। आपको क्या लगता है कि सच में एलियन ऐसा कर सकते हैं? एलियन ने ही इस पूरे गांव के लोगों को अचानक से गायब कर दिया? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें। और हाँ, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।